बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करती हूँ। विच ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो हम लोगों ने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो गिवन है उनमें से वो सिंगुलर है और कौन से क्या है नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के दरमियान जो डिफरेंस है इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल से जाके वो एक दफ़ा देख लें। अब इसका फर्स्ट पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट ए इज इक्वल टू 1 0 3 3 1 माइनस 1 0 2 एंड देन 4। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 0 3 3 1 माइनस 1 0 2 एंड देन 4। अब इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ रो 1 से, प्लस साइन माइनस साइन एंड देन इसके साथ क्या आएगा, प्लस साइन आएगा 1। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 माइनस 1 2 एंड देन 4 माइनस 0। ठीक है, इसके साथ जो भी मैट्रिक्स आएगा वो 0 हो जाएगा, सो मैं उसको नहीं लिख रही, प्लस 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई 3 1 0 एंड देन 2। अब ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, इसका डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं 4 और नेगेटिव साइन लिखेंगे और नॉन डायगोनल 2 into -1 दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3 3 into 6 2 6 -0। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो गए, -into- प्लस हो गया प्लस 2 प्लस 3 into 6 4 plus 2 6 प्लस 6 3 are 18। तो यहाँ से हमारे पास a डिटर्मिनेंट क्या आ गया 24 के इक्वल। अब हमने बताना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0 हो, उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर। तो क्या ये हमारे पास 0 के इक्वल आया, नहीं आया, दिस मीन्स दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, अब जो मर्ज़ी अल्फ़ाबेट लिखें, यहाँ पे मैं कैपिटल एम लिखूँगी, नाउ लेट, बट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए। एम इज़ इक्वल टू 2 3 -1 1 1 0 2 -3 एंड देन 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। अब इसको मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करती हूँ, प्लस माइनस एंड देन प्लस साइन आएगा 2। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स आ गई 1 0 -3 5। फिर -3 का साइन आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये टर्म्स बचेंगी 1 0 2 एंड देन 5 -1। ठीक है, यहाँ पे माइनस था इसलिए आया, अदरवाइज इसके साथ प्लस साइन ही आया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई 1 1 2 एंड देन -3। इनका अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ये डायगनल एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग नेगेटिव साइन लिखेंगे और नॉन डायगनल का प्रोडक्ट ले लेंगे 1 into 5 5 माइनस का साइन, -3 into 0 0 5 -2 into 0 0 1 into -3 -3 माइनस का साइन 2 into 1 2। यहाँ पे 5 2 are 10 5 3 are 15 -15 और ये देखिए ये आ गया हमारे पास -5 -into -+5 5 + 10 = 15 -15 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया हमारे पास m डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0।
अब क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, ज़ीरो के इक्वल आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर आया हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज एम इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. अब थर्ड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, 4x4 है. सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट, कोई भी आप लोग अल्फाबेट लिख लें बट कैपिटल होना चाहिए, बी इज इक्वल टू 1, 1, 2, -1, 1, 2, -1, -3, 2, 3, 1, 2, 3, -1, 3, and then 4. अब इसको मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ रो वन के थ्रू. आप चाहें तो आप किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, बट इसको सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँगी. मैंने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है. डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस हम लोग लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे. अब सिंपली मैं इसको रो वन के थ्रू एक्सपेंड कर देती हूँ, तो ये है हमारे पास है रो वन. अब इसके हर एक एलिमेंट के साथ हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस एंड देन माइनस, ठीक है. अब पहले हमारे पास क्या है, वन है, तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या बची, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इग्नोर, रिमेनिंग ये टर्म्स हैं इनको लिख लेते हैं, 2, -1, -3, 3, 1, 2, -1, 3 एंड देन 4. नेगेटिव का साइन नेगेटिव वन. अब देखिए इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1, -1, -3, 2, 1, 2, 3, 3 एंड देन 4. प्लस 2, अब देखें इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और ये हमारा थर्ड कॉलम है, इसको इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1, 2, -3, 2, 3, 2, 3, -1 एंड देन 4. अब फिर हम लोगों ने माइनस का साइन लिखना, और यहाँ देखिए क्या है, माइनस वन है, इसको माइनस वन को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ. इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट रो और ये हमारा फोर्थ कॉलम, इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1, 2, -1, 2, 3, 1, 3, -1 एंड देन 3, ठीक है. अब ये हमारे पास बन गया 3x3 के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट. अब इनको हम लोग अगेन ओपन कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं रो वन के थ्रू. देखें यहाँ पे प्लस साइन देन माइनस और देन प्लस आएगा, ये फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है. प्लस माइनस एंड देन प्लस, प्लस माइनस और फिर प्लस, और इसके लिए भी क्या आएगा, प्लस माइनस और फिर यहाँ पे प्लस आएगा. ये 2 आ गया, इसके बाहर क्या है, 1 है, तो 1 ना भी लिखे नो इशू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2. अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स बच गई, 1, 2, 3, 4. माइनस का साइन, और देखिए माइनस वन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है. तो ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 3, 2, -1, 4. 3, 2, -1 एंड देन 4. -3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई, 3, 1, -1 एंड देन 3, ठीक है. अब नेक्स्ट -1, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है इसीलिए. अब देखें इसके लिए फर्स्ट एंट्री क्या है, 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई, 1, 2, 3, 4. नेगेटिव साइन, अब यहाँ पे क्या है, -1 है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1 हो गया, ठीक है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 2, 2, 3, 4. -3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3 एंड देन 3. अब ये थर्ड वाला मैट्रिक्स है, इसको ओपन करते हैं, इसके बाहर क्या है, 2 है, तो +2,
और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए पहले वन है तो इसकी प्लेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये टर्म्स बचेंगी 3, 2, -1, 4, 3, 2, -1, 4। माइनस का साइन क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, अल्टरनेट साइन यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3 एंड देन 4, -3, 2, 3, 3, -1, 2, 3, 3, -1, ब्रैकेट्स क्लोज। अब माइनस इनटू माइनस क्या आ गया, प्लस वन आ गया, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो ये इग्नोर, रिमेनिंग ये टर्म्स बचेंगी 3, 1, -1 एंड देन 3, -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, -1, 2, 3, 3, -1। यहाँ पे भी लिख लें बी डिटर्मिनेंट ताकि पता चल जाएगा कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखें, अब ये सारे हमारे पास क्या बन गए, 2x2 और मैट्रिक्स के ऑर्डर बन गए, सॉरी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस बन गए हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, डायगनल है, डायगनल को मल्टीप्लाई करके मैं क्या करूँगी, नेगेटिव साइन और फिर नॉन डायगनल का प्रोडक्ट, 2 बाहर है, 1 × 4, 4 माइनस का साइन, 2 × 3, 6 प्लस 1, 3 × 4, 12 माइनस का साइन, -1 × 2, -2, माइनस ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा, +2, -3, 3 × 3, 9 माइनस का साइन, -1 × 1, -1, और ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस साइन है और ये ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 × 4, 4 माइनस का साइन, 3 × 2, 6 2 × 4, 8 माइनस का साइन, 3 × 2, 6 -3 2 × 3, 6 माइनस का साइन, 3 × 1, 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +2, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, 3 × 4, 12 माइनस का साइन, -1 × 2 क्या आ गया, -2, और माइनस ऑलरेडी क्या आ जाएगा, +2, -2, 2 × 4, 8 माइनस, 3 × 2, 6 -2, -9 +1, 9 +1 -2, 6 -3 -1, -2 -9 अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 2 × -2 प्लस 12 + 2, 14 × 1 इज इक्वल टू 14 -3 और यहाँ पे आ गया 10 माइनस का साइन है 4 - 6 -2 +1 8 - 6 क्या आ गया हमारे पास +2 ठीक है -3 × 6 - 3 इज इक्वल टू 3 +2 12 + 2 दिस इज इक्वल टू 14 × 1 14 -2 8 - 6 इज इक्वल टू 2 -3 और ये -2 - 9 दिस इज इक्वल टू -11 ब्रैकेट क्लोज। अब +1 आ गया 1 + 9 10 10 × 1 10 -2 6 - 3 दिस इज इक्वल टू +3 -2 - 9 -11 और यहाँ पे बाहर माइनस है ठीक है -1 × -11 अगले स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 -4 +14 -30 माइनस का साइन है ये 1 × 2 माइनस का साइन है -2 +2 -9 2 बाहर है प्लस के साथ
14 माइनस 2 इंटू टू 4, ये माइनस माइनस के आगे प्लस हो गए 33, 10 माइनस 6 और ये देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो गए प्लस 11. बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 34 और 4, ठीक है, इन दोनों को 30 और 4 इन दोनों को ऐड किया, क्या आ गया माइनस 34 प्लस 14, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाहर माइनस साइन है, इसने इसके साइन को क्या किया चेंज, तो यहाँ पे आ गया प्लस 9 प्लस 2 14 प्लस 33 दिस इज इक्वल टू 47 माइनस 4 10 प्लस 11 21 माइनस 6. अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 20 आ गया प्लस 9 प्लस 2 इंटू 47 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पे आ गया 43, यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या 15 प्लस के साथ माइनस 11, इन दोनों को ऐड अप करके 43 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 86 प्लस 15 माइनस 11, इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ गया प्लस 101 और इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर देते तो आंसर आ जाएगा 90, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया 90 के इक्वल. हमने बताना था ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो देखिए बी ट्रांसपोज सॉरी बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 90 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल नहीं है 0 के. सो दिस इम्प्लाइज बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ. होप सो आपको क्लियर हो गया. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.